खतरनाक बारिश आ गया, देखे पूरा काला, पूरा काओ ही काओ। ये पकड़ो मनीष, है ना है ना है ना है ना, गया भाई 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 मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, हम लोग के यहाँ पे सुबह से बारिश बारिश बारिश, अभी जस्ट बारिश छूटा है और बारिश छूटते ही देखिए दोनों चाची भी अभी कपड़ा वपड़ा डाल के आई हैं और मम्मी लेके जा रही है एक बाल्टी कपड़ा, देखिए डालने के लिए। अभी हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं राजमा बाजार। एक्चुअली राजमा बाजार में हम लोग के यहाँ पे संडे वीकली मार्केट लगता है, सब्जी का बाजार, तो बहुत बड़ा सब्जी का बाजार लगता है। निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं कुछ सामान वामान लाना है, थोड़ा सा सब्जी का बाजार वजार करना है। इधर पापा जी हैं, इधर पापा हैं, तो चल रहे हैं फटाफट से। पहुंच गए हैं राजमहल बाजार में और इतना सुंदर हवा चल रहा है ना, हवा बहुत मस्त लग रहा है, ठंड लग रहा है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर पूरा बाजार लगा हुआ है, देखिए पूरा बाजार यहाँ से स्टार्ट हुआ है पूरा अंदर तक। और आज हम लोग एक्चुअल में बढ़िया टाइम में आए हैं, तो चलते हैं बाजार में, सारा सब्जी मिल जाएगा, सब क्वालिटी का सब्जी मिल जाएगा। देखिए देखिए गोरू बाजार भी लगा हुआ है, गोरू लेके जा रहे हैं, पूरा काव ही काव। जा रहा है, हो गया हम लोगों का। इधर पापा जी एक घोड़ा लेके आ रहे हैं, मैंने एक घोड़ा पकड़ा है और इधर मैंने गाड़ी पार्क करके मैं गया था इधर, तो अभी रोड क्रॉस करना पड़ेगा। हो गया बाजार वजार हम लोगों का, अब चलते हैं घर। अभी आके पहुंच गए विनय होटल में और पापा एक्चुअली गाड़ी में बैठे हुए हैं इधर, गाड़ी मैंने पार्क किया वहाँ पे, पापा बैठे हुए नहीं आए, खाने का टाइम हो गया ना, कि दोपहर हो गए तो पापा नहीं खाएंगे, तो चाय पी लेंगे सोचे, तो इधर चाय और समोसे, पापा जी का भी आ गया इधर और मेरा भी आ गया, तो जल्दी समोसा चाय खा लेते हैं। बस समोसा चाय खा लिया यहाँ पे विनय होटल में, खाओ के हो गया मस्त, अब चलते हैं सीधा घर। घर और देखे सब्जी सारा निकाल रहे हैं माँ के पास, माँ सारा कुछ देखती है सब्जी क्या क्या था क्या क्या नहीं, है कि नहीं मनीष, सारा हिसाब किताब रहती है, बहुत खतरनाक है। सीसीटीवी सीसीटीवी मौसम का हाल, दिन में ही ऐसा हाल हो चुका है, मतलब खतरनाक। और मतलब कुछ कुछ जगह में तो और भी डेंजर हो गया। और हम लोग की बड़ी बुआ जाने वाली थी सिलचर एक्चुअली, मतलब नीव हरंगा जब स्टेशन का जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक ही उड़ गया, उनका ट्रेन कैंसिल हो गया, पता नहीं कब खुलेगा उनका ट्रेन, जब खुलेगा तभी जा पाएंगी। और ऐसा मौसम है हम लोग का इधर ही, मतलब पूरा देखिए बारिश का मौसम क्या हुआ। आरतीबा आज चली जाएगी, आरतीबा को छोड़ने जाएंगे हम लोग थोड़ी देर में, 6-7 बजे के आसपास निकलेंगे, सिमलपुर रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना पड़ेगा। खतरनाक बारिश आ गया, देखिए पूरा काला, डेंजरस खतरनाक बारिश, तगड़ा बारिश आ गया, पूरा काला हो गया, देखिए बादल पूरा काला, बहुत ही खतरनाक बारिश। अरे ट्रेन कैसे उड़ रहा है, बुआ ना ट्रेन में कुछ खाती नहीं, रास्ते में कुछ नहीं, राजधानी में टिकट है लेकिन वो फूड कुछ कंज्यूम नहीं करती, राजधानी का खाना भी ऐसे बेकार ही है तो इसलिए नहीं खाती है, तो घर से खाना बना रही है मम्मी, देखिए मस्त पूरी इधर। और क्या क्या बन रहा है, आलू का बस दो चीज बन रहा है बुआ के लिए इधर, पूरी और आलू का भुजिया, क्योंकि बुआ एकदम ट्रेन में नहीं खाती, खाना ही पसंद नहीं करती, तो इसलिए मम्मी बना रही है मस्त पूरी और आलू का भुजिया बुआ के लिए। बुआ का एक्चुअली ट्रेन का टाइमिंग हो गया तो लेके जा रहे हैं, इधर बैठ के बात कर ले रही है माँ के साथ, सबके साथ बुआ निकल रही है। रो रही है क्या, नहीं रो रही है, ऐसा लग रहा है रो रही है। निकल चुके हैं सिमलगुड़ी रेलवे स्टेशन के लिए, इधर हमारे पापा जी चाचा है और इधर बुआ भी बैठ चुकी है, तो चल रहे हैं। बुआ थोड़ा सा रो रही है, अपना घर छोड़ के जाने से सबको थोड़ा खराब तो लगता ही है ना, वही मनीष भी मेरे साथ, तो अभी चल रहे हैं, एक घंटा तो हम लोग को लग ही जाएगा, क्योंकि देखिए बारिश कैसे दे रहा है, बहुत ही खतरनाक तगड़ा बारिश आ गया है, तो बारिश की वजह से लेट तो थोड़ा होगा ही होगा, नहीं तो 40-45 मिनट में पहुंच जाते हैं सिमलगुड़ी रेलवे स्टेशन, लेकिन आज एक घंटा से ज़्यादा ही लगेगा शायद मुझको लग रहा है, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, पहुँच गए हम लोग सिमलगुड़ी रेलवे स्टेशन में, और इधर देखिए रेलवे स्टेशन है पूरा इधर, और अभी राजधानी आने वाला है थोड़ा देर में, इधर स्टेशन है पूरा खाली खाली का, आदमी है थोड़ा बहुत, उतना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ पे बोर्डिंग थोड़ा सा कम होता है पैसेंजर का डिब्रूगढ़ में और तिनसुकिया में ज़्यादा बोर्डिंग हो जाता है, फिर बाद इधर होता रहता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी होता है, तो ये आके पहुँच गया, अभी थोड़ा सा टाइम है 15 मिनट है, लेकिन जैसे जैसे आके पहुँचे इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, इतना ज़्यादा बहुत ही खतरनाक, मैं तो सोचा ट्रेन मिस हो जाएगा, मतलब 9 बजे अभी आते आते हम लोग 7 बजे निकले थे, 9 बज गया, इतना टाइम लग गया, ट्रेन थोड़ा सा डिले हो गया, एक्चुअली 9:17 में था ट्रेन लेकिन 9:35 हो गया अभी, तो थोड़ा टाइम मिल गया हम लोगों को, जब सब लोग बातचीत कर रहे हैं इधर और हम लोग दोनों ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं ना, चेहरा देखा जाएगी और कुछ नहीं। ट्रेन आके घुस रहा है इधर, ये देखिए ट्रेन आ रहा है, फाइनली आ गया,
हैं। हाँ इधर इधर, इसमें इसमें 37, इसमें हाँ इसमें इसमें 37। चलो उठाओ उठाओ, बैग उठाओ, ये पकड़ो मनीष। है ना है ना है ना है ना, उधर अब एक्चुअली 2 मिनट का ही बोर्ड होता है, इधर से चढ़ नहीं पाएंगे ऊपर हम लोग। इधर बुआ जा रही है, ढूंढ रही है। इधर फाइनली बुआ को मिल गया अपना सीट, बुआ को हम लोगों ने चढ़ा दिया इधर B9 कोच में, B9 कोच में। और बुआ जा रही है इधर, ट्रेन में निकल चुका है, तो ये ट्रेन स्टेशन से चल जा रहा है और हम लोग भी निकल रहे हैं एक्चुअली बाहर। गया बुआ का गाड़ी, गया भाई 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 बुआ का छोड़ दिए और ट्रेन भी चला गया, तो टाटा बाय करके आ गए अभी और अभी चल रहे हैं घर। और एक अच्छा बात क्या है, बारिश रुक गया, बारिश थोड़ा थोड़ा भीनी भीनी बारिश है, उतना ज़्यादा जोर से बारिश नहीं है तो गाड़ी चलाने में आसानी होगा। लेकिन जब मैं आ रहा था, हम लोग आ रहे थे जब, तो इतना जोरों का बारिश आ रहा, इतना जोरों का बारिश आया कि मैं क्या बताऊँ, मतलब गाड़ी चला नहीं पा रहा था मैं और रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, बारिश की वजह से हालत ख़राब हो गया मेरा गाड़ी चलाने में। थोड़ा समय के लिए तो मैंने सोचा था कि गाड़ी मिलेगा नहीं। बाय बाय कर देते हैं आप सिमलगुड़ी रेलवे स्टेशन का और चलते हैं प्रॉपर से घर। अभी आके पहुंच गया घर और इधर किचन में आ गया, सीधा मेरा डिनर निकल रहा है ना, मेरा है किसका है, मेरा डिनर निकल रहा है। देखिए तो पूड़ी बना है अभी, पूड़ी सब्जी मस्त खा लेता हूँ, बट भूख लग चुकी है एक्चुअली। डिनर करके आ गया और एक्चुअली आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो गया मुझको गाड़ी चलाने में, मतलब इतना ज्यादा जोरों का बारिश, मतलब बारिश की वजह से मेरा मतलब हालत खराब हो गया गाड़ी चलाने में, एक्चुअली पेन कर रहा है ना बहुत ज्यादा, गाड़ी चलाना हो गया 2-3 घंटा गाड़ी चलाना नॉन स्टॉप, तो इस वजह से आगे पेन करने लगा और मतलब बारिश ने हालत खराब कर रखा है सच में, पूरा पानी से भर गया पूरा सारा रास्ता, मतलब हर जगह का ऐसा हालत होकर रखा हुआ है। तो मैं समय चला हूँ फटाफट से सोने के लिए और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिले कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय, सी यू टुमारो, बाय 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 बाय